अलकुम। सो मैंने सोचा मैं आप सबके लिए आज एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाऊं घर से बाहर जाके। नॉर्मली तो घर में इंडोर वीडियोस का वो मज़ा नहीं आता। सो मेरा ख्याल है चलते हैं और आज आपके लिए कुछ नई तरह की वीडियो लेके आता हूं इंशाल्लाह। सो लेट्स डू इट गाइस। साथ मेरे एक नया ट्राईपॉड स्टैंड लिया था उस दिन, तो ये जाएगा साथ और बैग जाएगा और साथ एक्स्ट्रा बैटरी है। सो आई थिंक लेट्स गो गाइस। क्या हाल है आपके? तो हम फाइनली इस पार्क में आ गए हैं। ये बैरियर टाउन का साथ बड़ा फिट से फैमिली टाइप पार्क है, क्योंकि घर में सारी वीडियोस होती हैं। तो आई नो कि जो बंदा खुद मोबाइल पे बैठा हुआ वीडियो देख रहा है, तो उसको आउटगोइंग वीडियो जो कि बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छी लगती है, ग्रीनरी और गिर्द। तो इसलिए आपके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। माइक्रोफोन हमने साथ यहाँ पर रखा हुआ है और इससे परफेक्ट वीडियो आती है। अब बात यह है कि इस वीडियो के अंदर आई रियली वॉन्टेड टू ब्रिंग समथिंग मोटिवेटिंग विद यू गाइस, और मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ लेके आना चाहता हूँ। अभी बात जा रही है, जाओ जाओ, ठीक है। बूम बूम। सो इसके अंदर बेसिकली मैं एक पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर हैं, इरफान जुनेजो ब्रदर, उनकी मैं एग्जांपल आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ ही बिकेम सो फेमस एंड सो यू नो पॉपुलर इन विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक 6-7 मंथ्स में ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल। 1 जनवरी के आसपास उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। हाँ भाई, हमने सोचा था कि इधर हम नारायण की साइड आए हैं तो थोड़ी गाइड बना लें। इतनी दूर आए हो, स्विमिंग तो करोगे ना? कर लो भाई, कर लो, घूमने आए हो ना, जाने दो। और फिर ग्रेजुअली लाइक मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया था व्हेन ही हैड 5000 सब्सक्राइबर्स, और माशाल्लाह यू नो देखते देखते ही हैज लाइक ही इज रीचिंग लाइक 30000। और ये किस तरह हुआ है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, लाइक यू कैन लर्न एंड मी एंड एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम हिम। कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, राइट, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज, इरफान जुनेजो ब्रदर ने और फेमस यूट्यूबर्स की क्या क्या स्ट्रेटजीज को कॉपी किया है या फिर उनसे लर्न किया है वो ब्रदर से, और अब मौका है कि वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। सो लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो और देखते हैं कि क्या वो टिप्स हैं। द फर्स्ट थिंग बेसिकली जो मैंने उनके बारे में नोटिस की, जो मुझे अपील की जब मैंने देखना स्टार्ट किया, कि यार लाइक ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट विद हिज व्यूअर्स। हम एक मीटिंग पे जा रहे हैं, 99% ऑफ द मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप कुछ शेयर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है, पर्सनल जाती ओपिनियन, बिरादराना मशवरा, बिरादराना ओपिनियन, जब मैं कमरे में बैठ के बातें करता था एंड आई यूज टू फाइंड क्रिएटिव वेज टू प्रेजेंट माई पॉइंट, वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग था रादर देन गोइंग टू अ मीटिंग। लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, अबे कमरे से निकल, कमरे से तो निकलो भाई, अब निकले हैं कमरे से, बस मीटिंग पे जाते हैं। हे गाइस आई एम गोइंग ऑन अ मीटिंग, हे गाइस आई एम बैक, हे गाइस अनदर मीटिंग, हे गाइस आई एम बैक, रिपीट। इंटरेस्टिंग लाइफ, गोइंग टू मीटिंग एंड कमिंग बैक एंड नॉट टेलिंग यू एनी डिटेल्स अबाउट इट व्हाटसोएवर। ये चाहिए था ना लो। को उनके माइंड में ये नहीं है कि मेरी कोई फैन बेस मैं बना रहा हूँ, उनको बिल्कुल भाइयों की तरह अपने ऑडियंस को ट्रीट करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट, कि यार ही इज़ बीइंग सो ऑनेस्ट और बहुत ही नेचुरल वे के अंदर घर के अंदर जो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि जी बहुत से लोग होते हैं ना जो कि यूट्यूब के ऊपर लाइक दे ऑन यूट्यूब दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल, और उनकी रियल लाइफ में देखो तो दे आर लाइक सैड पीपल, और यूट्यूब पर उनका स्टार्ट कैसा होगा, मोबाइल निकालेंगे, हे गाइस व्हाट्सअप, टुडे आई एम सो हैप्पी एंड माई लाइफ इज सो ऑसम, और घर जाएंगे तो दे आर लाइक, और अमीन नवाजी जी जी आ रहा हूँ। तो इस तरह नहीं, आई एम डेड श्योर कि यार वॉट ही इज़ ऑन द कैमरा ही इज़ जस्ट लाइक दैट इन हिज रियल लाइफ। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट बी हु यू आर, तो गुड एंड अच्छा ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब ज़रा इसको ऑफ कर दें। तो जो सेकेंड चीज़ मैंने उन इरफान जुनेजो ब्रदर में जो नोटिस की है के वॉट सेट सिम्स अपार्ट फ्राम अदर यूट्यूब चैनल्स, और वो ये है कि भाई उनकी एडिटिंग इज टोटली सिक एडिटिंग। हाँ
ले सकते हो भाई, आपका भाई आपको जज नहीं करेगा, गारंटी। कि आप लाइक बोर नहीं होते, आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको ये नहीं होगा कि यार ये क्या, आगे चलो हाँ, लाइक नहीं, लाइक हिज कट्स आर सो लाइक ऑन द वेरी राइट स्पॉट, आफ्टर हर 3 to 4 seconds के बाद ही गिव्स अ न्यू कट, सो कैटेगोरिकली नोटिस करें, सो देयर आर फ्यू प्लेसेस वेयर ही टॉक्स। तो सीन ऐसा है कि मैं कभी भी बाइक्स के बारे में कोई सुपर क्रेजी नहीं था, मुझे अच्छी लगती थी जिस तरह बचपन में हर किसी को स्पोर्ट्स कार्स अच्छी लगती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स अच्छी लगती हैं, मुझे भी लगती थी। यू नो ही टॉक्स, ही इज लाइक टेलिंग द स्टोरी बता रहे हैं कि जैसा मेरे दिन में ये हुआ, मैंने ये किया, ठीक है, और कैमरा फिक्स है, ही इज़ ऑन हिज टेबल और चेयर, ठीक है, और साथ साथ क्योंकि उसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उनकी वीडियो उसके ऊपर चल रही है, राइट। और 4 साल तक पैसे जमा करने के बाद आई गॉट माई यामाहा R6। स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इफेक्टिव वे है कि साथ साथ आप स्टोरी बता रहे हैं, बेशक बैकग्राउंड में ऑडियो चल रही हो या फिर वीडियो चल रही हो, साथ साथ आप उसके ऊपर शॉट्स दिखा रहे हैं, तो एडिटिंग हैज़ अ ह्यूज रोल कि यार उसी चीज़ की वजह से बंदा आपकी वीडियो को देखता है, वरना अगर आपका कॉन्टेंट जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी आपका अच्छा इक्विपमेंट हो जाए, बैकग्राउंड हो, सब कुछ हो, बट स्टिल अगर आपकी एडिटिंग बोरिंग है तो लोग हर यू नो 5-6 seconds के बाद लोग बोर हो जाएंगे। सो फर्स्ट, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि फर्स्ट 10 seconds या उससे भी कम में आपका जो लाइक यू मेक द पर्सन फ्रॉम अ व्यूअर टू अ फैन, है ना, ऐसे होता है ना यार। शॉम्स इज़ माई ऑसम, माई कैमरा मैन, माई जॉजा, ऑसम यार। नहीं है जी, मैं इरफान जोनेजो ब्रदर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं फलाने से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है जी, सोच लिया, आज बड़े जोर से वीडियो बनाई, 2 दिन बाद सब कुछ खुश, नहीं, कंसिस्टेंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी कि यार नहीं, एक काम अगर करना है तो करना है और रोज़ करना है, जो भी पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी सेट की है, क्या ठीक है मैं हफ्ते में 2 वीडियोज़ बनाऊँगा, मैं हफ्ते में 3 वीडियोज़ बनाऊँगा, हर 2-2 दिन के बाद बनाऊँगा, जो भी आपने एक प्लान सेट किया उसको फॉलो करें कंसिस्टेंट। और सबसे जो एक और बड़ी अखीर बात जो कि मैंने बहुत थोड़े यूट्यूबर्स में देखी है वो ये है कि यार लाइक अगर इन केस उनकी फैमिली में कोई इशू है, इफ़ ही इज़ गोइंग अब्रॉड, किसी टूर पर जा रहे हैं, सो फैंस को वो अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार लाइक मैं अमेरिका जा रहा हूँ या मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ या फिर मैं किसी नारान की ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे हफ्ता चाहिए होगा, हफ्ता मेरा लग जाएगा, तो मैं रोज़ उसी पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी से वीडियोज़ नहीं डाल सकूँगा, लेकिन अगर आप लोग कहें तो मैं उन रोज़ वीडियोज़ को स्किप करके तो मैं सारी वीडियो का कॉन्टेंट एक अच्छी सी गाइड बना लूँ, लाइक क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। तो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना और उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर दैट आई वुड सल्यूट हिम। और जो फाइनल पॉइंट बेसिकली ये है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, के और लोगों के साथ मिल के जो आपकी इंडस्ट्री में उनके साथ आप मिल के काम करें उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो मैंने इरफान ब्रदर से सीखा है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अरसे से कोलैबोरेशंस करते आए हैं, फेमस यूट्यूबर्स आपस में मिल के वीडियोज़ बनाते हैं, इनकी ऑडियंस इनको सब्सक्राइब करती है जिन्होंने नहीं किया होता, इनकी इनको करती है, सो उस तरह दोनों को यू नो बोथ गेट एडवांटेज ऑफ दैट। नरान वो घूमने गए, उन्होंने उसकी एक टूर गाइड बनाई, एक मूरू बड़े फिट फेमस यू नो वीडियो मेकर हैं, ही मेक्स वीडियोज़ ऑन फेसबुक और यूट्यूब पे भी ही मेक्स वीडियो, शॉर्ट स्किट्स बनाते हैं, सो वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही वो स्ट्रॉन्ग, और इरफान भाई बेसिकली मेक्स वीडियोज़ व्लॉग्स टाइप की, सो बोथ केम टुगेदर, दोनों नरान गए, वहाँ पे दे मेड अ वीडियो जिसमें ड्रोन शॉट्स भी थी, लाइक नरान को कभी किसी ने इस एंगल से कभी देखा ही नहीं था। नरान वैली को इस तरह ड्रोन शॉट से पहले कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिखाया था। सो दे वर द फर्स्ट वन एपरेंटली, और यूट्यूब पे यू नो हिज और फेसबुक पे वही वीडियो इतनी फेमस हुई, मुरू जो हैं उनकी ऑडियंस इनके पास आई, इनकी ऑडियंस उनके पास गई, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट रियली गेव हिम अ ह्यूज पुश। फिर जब फेमस यूट्यूबर्स फेमस ये फुटबॉलर्स आए थे, क्या नाम है इसका, रोनाल्डिनो आया था और इस तरह के,
उनके साथ जाके यू नो ही डिड शॉर्ट लेटर इंटरव्यूज, उससे बूस्ट मिला. व्हेन यू आर गेटिंग फेमस सो पीपल इन इंडस्ट्री स्टार्ट्स टू उनकी तवज्जो आप पे जाती है, वो देखते हैं कि अच्छा यार ही इज डूइंग प्रीटी वेल, फिर वो आपको शाउट आउट देते हैं. थैंक यू, प्लेजर. ही इज द मैन, ही इज द मैन. सो दैट इज़ वन थिंग जो कि आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, वरना आपकी ग्रोथ होगी यू नो. अगर आप घर में बैठे वीडियोज़ बनाते रहें, कॉन्टेंट बेशक आपका अच्छा हो, लेकिन एक हद से ज़्यादा आपकी फास्ट ग्रोथ नहीं होगी, आप स्लोली स्लोली करेंगे. बट अगर आपने अपने आउट ऑफ द शेल जाना है, उसके लिए आपको यू नो यू रियली हैव टू कलेबरेट, अपनी घर से बाहर निकल के लोगों से मिल के, क्योंकि व्लॉग एक ऐसी चीज़ है कि व्लॉग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी देखना चाहते हैं. आपका व्लॉग फेमस उस वक्त होगा जबकि ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, उसके अंदर जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, रोज़ कुछ नया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, एडिटिंग ऊपर से अखीर होगी. दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आई वुड लीव विद यू, और आई होप कि आप लोग इसको फॉलो करें और अपना कंटेंट खुद क्रिएट करें, पाकिस्तान को दिखाएं, सब अपने शहर को दिखाएं, कराची में है कराची को दिखाएं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, पेशावर में है, जिधर भी हैं, अपने इस माइंड सेट से जाएँ कि मैंने अपने एरिया को अच्छा दिखाना है. उसकी बेस्ट चीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, उसके लिए जो कुछ आपको करना है आपने दिखाना है. तो इंशाल्लाह मैंने इस बात पे अज़म किया, मैंने इस बात पे यू नो आई हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, रावलपिंडी के एरिया में हूँ, मैंने इस एरिया की बेस्ट चीज़ें दिखानी है. सो इंशाल्लाह फॉर दैट आई लीव यू देयर. आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ इज़ ऑन द वे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम. और आखिर में शॉम्स ने वीडियो बंद कर दी, मैंने उनको फिर कहा गया था दोबारा ऑन करें. मैंने एक लास्ट शॉट, तो ये तो शॉट बनती है ना भाई, बॉडी बिल्डिंग. रहमत तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन.